समय उस महोत्सव में विचित्र विचित्र बाजे बज रहे थे। कृष्णे विश्वेश्वरे नन्दे नन्दस्य ब्रजमागते। नंद के ब्रज में, ब्रज का अर्थ है गायों का गोष्ठ, जहाँ गायें बहुत सी एक दंडों की कतार में पहले बाड़े बनाए जाते थे, लकड़ी गाड़ गाड़ करके बांध देते थे, उनमें गायों को बंद कर देते थे, उस बाड़े को कहते हैं ब्रज। तो नंदस्य ब्रजम कृष्णे अनंते विश्वेश्वरे आगते। जब नंद बाबा के गोष्ठ में अनंत भगवान श्री कृष्ण पधारे तो नाना प्रकार के बाजने बजने लगे। गोप्यः सुमृष्ट मणि कुंडल निष्कंठ्यः। गोपियों ने मणियों से निर्मित हुए सुंदर कुंडल और गले में निष्क माने गर्दन में एक मोटी सी हंसली पहनी जाती थी पुराने जमाने, अब नहीं पहनी जाती। वो हंसली पहन पहन करके आज चित्रांबरा पथि शिखा चितमाल्य वर्षा, रंग बिरंगे वस्त्र पहन करके अपनी चोटियों में पुष्प बुनी और नंद के घर की ओर अपने कंकड़ों को बजाती हुई चली है। जब उनकी शिखाओं से पुष्प गिरते थे तो नंद के गांव की गलियों में पुष्पमय वर्षा हो रही थी। नंदालयम सबलया ब्रजती व्यालोल कुंडल पयोधर हार। सुंदर कुंडल लटक रहे हैं, हार की शोभा है, सुंदर दे रहे हैं आशीर्वाद। नंद को बड़ा आनंद आया, सबको वस्त्राभूषण से अलंकृत किया, जो याचक आए सबको तृप्त किया और मन में विचार किया कि वृद्धावस्था में पुत्र हुआ, देखो महोत्सव हो रहा है, चलो अपने राजा को भी कुछ उपहार दिया। में सुंदर बैलगाड़ियां तैयार करके और गोपों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त करके नंद बाबा ने सोचा वार्षिक जो कर है राजा का वो भी दे आवेंगे और पुत्र के निमित्त कुछ उपहार भी दे आवेंगे। चल पड़े। उधर जब कंस ने पश्चाताप किया था कि हाय हमने व्यर्थ में ही बहन के पुत्रों को मारा, आठवां तो पुत्र हुआ भी नहीं, पुत्री हुई वो भी आकाश को चली गई। अरे देवता भी झूठ बोलते हैं, जिनके वचन पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के पुत्रों की हत्या कर डाली, बड़ा पछताया। और फिर वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कर लिया। वसुदेव अब स्वतंत्र रहते हैं। जैसे वसुदेव को पता लगा नंद बाबा आए हैं तो जहां नंद बाबा की रावटी लगी हुई थी वहीं वसुदेव जी पहुंच गए और उन्होंने कहा तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे गोकुल में तो उत्पात होने वाले हैं, क्योंकि ने मालूम था कंस ने 10 दिन तक के पुत्रों की हत्या करने का आदेश दे दिया है, सो तुमने राजा को कर दे दिया हो तो भैया जल्दी से लौट जाओ। अब देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर बातचीत है दोनों में, वसुदेव मिले और नंद मिले। एक के घर में पुत्र हुआ है और दूसरे के पुत्र मारे गए हैं, बोलो राधे राधे। तो जब दो मित्र मिलते हैं तो क्या बातें होनी चाहिए? वसुदेव अपना दुख रोते, नंद अपने सुख की बात करते, तो ये व्यावहारिक नहीं होता। इसलिए वसुदेव जी ने नंद से यह नहीं कहा कि हमारे पुत्रों को कंस ने मार डाला। वसुदेव नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं, दिष्ट्या भ्रातः प्रवयसः इदानीम प्रजस्यते पुत्रा प्रजा साया निवृत्तस्य प्रजा यत्समपद्यत।
भैया तुमको बधाई हो, तुम बूढ़े हो गए थे, संतान की कामना भी खत्म हो गई थी, लेकिन भगवत कृपा से तुम्हारे घर में पुत्रोत्सव हो रहा है, हम अपनी ओर से तुम्हें बधाई देते हैं। ये कहा। मित्र जब मिले तो अपने दुख की बात नहीं करे, उसके सुख की बात करे। और अगर मित्र दुखी हो तो जो सुखी व्यक्ति है वो अपने मित्र के दुख की बात करे। इसलिए जब नंद बाबा को बोलने का समय आया तब उन्होंने वसुदेव को बड़ा ढांढस बनाया, भैया हम बहुत दुखी हैं क्योंकि कंस ने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठा वरजा कन्या तापि दिवंगता। भैया हम तुम्हारे दुख से बहुत दुखी हैं, देवकी के पुत्रों को तो कंस ने मार ही डाला और एक कन्या बची थी वो भी आकाश को चली गई। देखिए नंद बाबा ने वसुदेव के दुख की चर्चा की और वसुदेव जी ने नंद के सुख की चर्चा की, उन्होंने अपने दुख की चर्चा नहीं की, उन्होंने अपने सुख की चर्चा नहीं की। ये है श्रेष्ठ मित्रता, इसको कहते हैं मित्र, अपनी क्या सुनाना। इसलिए वो कहते भैया बधाई हो तुम्हारे बुढ़ापे में बेटा हुआ, और वो कहते हैं भाई दैव बड़ा निठुर है, कंस ने तुम्हारे सब पुत्र मार डाले और एक कन्या बची थी वो भी आकाश को चली गई, लेकिन तुम दुखी मत हो, नूनम हृष्ट निष्ठो हो, तुम्हारा एक बेटा तो हमारे पास है ना। क्या बात है, तुम्हारा एक बेटा तो हमारे पास है ना, तुम्हारी पत्नी रोहिणी हमारे घर में बहुत आनंद से है। तो वसुदेव ने कहा अच्छा एक बात बताओ, वो पिताजी तुमको मानता है कि मुझे मानता है। हाँ हाँ, कैसी मधुर बातें हो रही हैं। वसुदेव कहते तातम भवंतम मनवाना, इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा कि वसुदेव का पुत्र है और पिता नंद को मानता है। मैं जानता हूं कि मेरा भी पुत्र आपको ही अपना पिता मानता है। दातम भवंतम मनमाना भवद्याम उपलालित, हम तो बड़े विपत्ति में फंसे थे, तुमने और तुम्हारी पत्नी यशोदा ने हमारे पुत्र की रक्षा की, हम तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। वसुदेव जी कहते हैं क्यों, यदि किसी का बांधव कष्ट में हो, अब सुन लीजिए लौकिक बात, और बांधव के कष्ट को देख करके समर्थ होते हुए भी अगर उसका संबंधी उसकी सहायता नहीं करता तो उसके सत्कर्म का फल नष्ट हो जाता है। ये बड़ी बात है, बोलो राधे। नटेशु कृष्य मानेशु त्रिवर्गो छाय कल्पते, अगर हमारा कोई रिश्तेदार बहुत क्लेश में हो और हम संपत्तिवान हो और उसकी मदद न करें तो फिर हमारा धर्म अर्थ और काम तीनों व्यर्थ हैं, उनका कोई भी लाभ नहीं है। लेकिन हे नंद बाबा तुमने ये गलती नहीं की, तुमने मुझ बांधव के ऊपर कृपा की और हमारे पुत्र की तुमने रक्षा कर ली। बोल सत्य वर्गो भृता सुहृदो अनुभाविता, क्या बातें करती हैं भागवत जी। अगर हम परिश्रम करें और परिश्रम करके धन कमाएं तो उस धन से अगर हमारे सुहृद और संबंधी क्लेश में पड़े रहें और सुखी न हो पाए तो धिक्कार है उस पुरुषार्थ को और धिक्कार है उस धन को। ये बात अगर सारे लोग समझ ले सारा देश आनंद में हो जाए। बोलो हो जाएगा कि नहीं।
कितनी बड़ी बात कही जा रही है। भागवत जी में केवल कथा ही थोड़े हैं, भागवत जी में तो जीवन के सूत्र लिखे हुए, उधर दृष्टि तो जानी चाहिए। त्रिवर्ग, त्रिवर्ग माने धर्म, अर्थ और काम। विहिता, अगर हमने खूब कमाया लेकिन सुहृदो ही अनुभावित और मित्रों के ऊपर उसका लाभ नहीं दिया गया तो नते सुमाने सु, तो सुहृदों के क्लेश उठाते हुए त्रिवर्गो अर्थाय कल्पते, तुम्हारा जो त्रिवर्ग है वो अर्थाय न कल्पते, वो किसी प्रयोजन का नहीं हुआ, व्यर्थ हो गया। जब नंद बाबा की प्रशंसा करने लगे तो वसुदेव जी बीच में बोल पड़े, अब ज्यादा बातें न करो, ऐसा करो जल्दी से। नंद बाबा बोले कि तुम्हारी दुख जानते हैं। वसुदेव जी बोले जाओ, अब घर जाओ, यहाँ रुकने की कोई जरूरत, ये तो यहाँ बातें हो रही, वहां क्या हो रहा है। देखो जब घर में बहुत उत्सव होता है तो बाजे बजते हैं। पंजाब में बाजे बजते कि नहीं, ब्याह में बजते, कि नू आई थी इसके ब्याह में बाजे बजे थे, कितने रुपए लगे थे, 5 लाख 50 हजार। हे भगवान, एक बाजा है उसमें दिल्ली में, क्या नाम लला, जीवा बैंड, जिया की जीवा, जिया बैंड, जिया, एक घंटे का 1 लाख लेता है। अब की जो पोते के ब्याह करो वही बोलवाना, हाँ जिया वाला, हाँ कमी थोड़े कोई इंजेंसी बोलवा दे। अब सोचो इतना रुपया क्यों बाजे में खर्च किया जाए, किसने चालू किया ये नियम। तो भागवत जी कहती हैं, देखो उपायम चिंतये धीमान अपाय मत चिंतये। किसी का लड़का ब्याह के लिए घोड़ी पर बैठने जा रहा हो, ध्यान नाल कल सुनो, स्त्रियां बधाई गा रही हो और एक बुढ़िया बगल में बड़ी जोर से करे ठीक दे, तो लड़के की माता को अच्छा लगेगा, बोलो, वो सोचे कि हाय अब सगुन हो गया, हाय ये कहां से आ गई। और ऐसे कहे ना हो छींक, लेकिन मंगलमय वातावरण के समय जरूर छींक आएगी। जब जहां मंगल होता है वहीं अमंगल की संभावना रहती है, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा इतनी जोर जोर बाजे बजाओ कि मोहल्ले की सारी बुढ़िया भी छींके तो भी सुनाई न पड़े। बोला दिराजे, इसलिए बाजा बजाया जाता है, इसका नाम है मंगल वाद्य। क्या नाम है, मंगल वाद्य की ध्वनि में अमंगल शब्द तिरोहित हो जाते हैं, छिप जाते हैं। इसलिए नंद बाबा के घर में बड़ी चोर मंगल बाजे बज रहे थे और उधर कंस के द्वारा भेजी गई बहन जी आई गई। नहीं संजय, किसकी बहन है, बकासुर की, मेरे रावण की बहन थी, अब की बार बकासुर की बहन बकी, उसका नाम है अहो बकी, भाई का नाम बक और बहन का नाम बकी। और वो भगवान को मारने के लिए आई है, भगवान ने देखा सज धज करके आई है। और जो गोकुल की देवियां हैं उन्होंने उस देवी को देखा तो सबने रास्ता दे दिया। वर स्त्रियम तत्प्रभया च धर्षिते, ऐसी दिव्य देवी है जिसको देख करके उसकी कांति से महाराज सबने अपने अपने अंगों को हटा लिया, जाओ बहना जाओ जल्दी से। ऐसी सुंदर स्त्री ने आकर के भगवान को दर्शन करने के लिए धर धर ने नेत्र किए तो भगवान जान गए कि आई गई। तो चरा चरात्मा सनिमीलिते क्षण, चराचर जगत के स्वामी अखिल भुवन पालक कारण करुण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम परमेश्वर श्री कृष्ण जो काल के भी काल हैं,
उन्होंने जैसे ही उस देवी पूतना को देखा, बन्नीमीलिते क्षणः आंखें बंद कर ली। इस पर तमाम टीकाकारों ने कल्पनाएं की हैं कि आंखें क्यों बंद की, मानो मैं बालक हूं, डर गया राक्षसी को देख के, पहचान गया इसलिए आंखें डर के मारे बंद कर ली। अथवा जीव को कर्म की गति जब मिलती है तो पितृयान और देवयान दो मार्ग हैं। भगवान का दाहिना नेत्र देवयान है और बायां नेत्र पितृयान है, मानो दोनों द्वार बंद कर दिए, अब भगवत कृपा के यान से जाएगी इसलिए दोनों नेत्र बंद कर लिए। अथवा इसने क्या सब कर्म किया, बड़े बड़े ऋषि मुनि हमको देख नहीं पाते, ये स्तनपान कराने आई है गुरु जन्म का, उसका निरीक्षण करने के लिए मानो आंखें बंद कर ली। अथवा आए थे गोकुल में माखन खाने, ये आई है विष पिलाने, विष पीने का अभ्यास सबको है, बोलो राधे राधे। हाँ, तो कैलाशवासी प्रलयंकर भयंकर शंकर देवों के देव महादेव मानो आंख बंद करके उनको बुला रहे हैं कि आ जाओ, विष विष आप पी जाना और दूध होगा तो मैं पी जाऊंगा। इतने में उस देवी ने अनंत मारो पयदंक मंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धि रज्जुभी। रस्सी को देखकर सर्प का भ्रम हो जाए ये सहज है, लेकिन सचमुच काला नाग पड़ा हो सो रहा हो तो कोई अंधेरे में समझे ये तो रस्सी है लंबी काम आएगी, उठा के गले में डाल ले तो आंखों का हो दो। बोलो राधे राधे। पूतना को उल्टा भ्रम हुआ, यथोरगम सुप्त यथा सुप्तम उर्गम अबुद्धि रज्जुभी, जैसे सोते हुए सर्प को अज्ञानी रस्सी की बुद्धि से उठा ले और गले में डाल ले, उसी की तरह कालों के भी जो काल है महाराज, बोले कि काल डरे जाके डर भारी, काल रूप्यन्मोदत कालोस मिलो कक्षय कृत्रवृद्धा जा सुत्रात डर का डर होई। मैंने काल का भी जो नियामक है उस परमात्मा को काल देने के लिए गोद में रख लिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमने उस दिन भी निवेदन किया कि अच्छे अच्छे जो फिल्मी गाने हैं वो भागवत जी से लिए गए, मोहब्बत में गर कोई लाकर पिलाए तो उस वक्त इनकार करना बुरा है। जब मोहब्बत में आई गई और जब दूध पिलाई रही है तो दूध तो माँ ही पिला सकती है, अब इस समय ना ही करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही दूध पिलाना शुरू किया भगवान की मुट्ठी बड़ी कठोर है, तुम्हारा गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रतिज्ञत प्राणी समम रोष समन्वितो दिवा। जब नव इंद्रियों के छिद्रों से प्राण निकलते हैं ये बात दुनिया ने सुने थे, लेकिन स्तन मार्ग से प्राण निकाल लिए जाते हैं ये एक नया मार्ग आज भगवान ने तैयार किया। प्राण समम प्राणों के साथ ही रोष समन्वितो पीने लगे प्राण, और जब प्राण पीने लगे तो पूतना बहुत से बालकों को पहले मार चुकी थी, जब किसी बालक को पकड़ती थी तो सब लोग गुणी लोग मंत्रज कहते थे मुंच मुंच पूतने मुंच, अरे पूतना छोड़ दे, फिर आज उल्टा हो गया, पहले पूतना बालकों को लगती थी और ये अद्भुत बालक है इसलिए ये पूतना को लग गया, अब छूट नहीं रहा है तो पूतना भी वही मंत्र बोलती है शायद छूट जाए, तो सा मुंच मुंचा लमित प्रभासिनी मुंच मुंच छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते देखो भाई या तो हम पकड़ेंगे ना, और पकड़ेंगे तो ये संसार है आज पकड़ता है कल छोड़ता है, जरा से स्वार्थ में कमी आई कोई दोस्ती खत्म, देरे से बोलो राधे राधे।
कहां परमानंद मित्रता है किसकी? संसार ही पकड़ता छोड़ता रहता है, परमात्मा या तो पकड़ता नहीं है, और पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। वो कहते बस बस छोड़ दे, लेकिन छोड़े कैसे? अरे मुख दुनिया मोड़े वे श्यामा तू मुख लाना मोड़े, संसार क्या करेगा? अवश्य याता रहा चिरतर मुसित्वापि विषया स्वयं याता ये ते विपुलतर तापाय मनसः। विषय और संसार बहुत दिनों तक भी अगर हमारे पास रह जाए तो भी एक दिन तो छोड़कर चला ही जाएगा। आप सहमत हैं कि नहीं? सब लोग छोड़ेगा कि नहीं? अगर ये खुद जाएंगे तो कष्ट दे करके जाएंगे, जब छुट नहीं है तो तू ही क्यों नहीं पहले छोड़ देता? स्वयं याता हेते, खुद अगर ये जाएंगे तो विपुल करता पाय मन सह, बहू बेटे घर से निकाल दें ये अच्छा कि पहले अपना लती लमुन जो है लकुटिया लेकर के निकल जाए अच्छा? बोलो राधे राधे। हाँ,
और निकाल तो देंगे। अपने सुखालय महल बनाए कि देवास्ते दस अपने सुखालय महल बनाए उना बिच पोते पुत सुलाए उना बिच पोते पुत सुलाए और बुढ़े दी मंजी बार बिच बुढ़ापे दे बुढ़े दी मंजी किथे बुढ़े दी मंजी बिच अवश्यम या तारह चिरतर मुसित्वापि विषया चिरतरम उसित्वापि बहुत दिनों तक हमें सुख दें तो भी एक दिन हमको छोड़ करके अवश्यम यातारः एक दिन अवश्य ही चले जाएंगे। इसलिए पकड़ना है तो ऐसे को पकड़ो जिससे छूटने का चक्कर ही नहीं है। भगवान कहते जब मैं किसी को पकड़ लेता हूं फिर नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि भगवान का ये प्रण है। आई तो थी विष लेकर के जिघांसा करने के लिए मारने के लिए। या तु धान्यपि सा स्वर्गम अवाप जननी गतिम किसकी गति मिली जननी की कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमु गावो किमु मातरः। श्रीमद् भागवत में कहीं थोड़ी देर के बाद एक प्रसंग आएगा ब्रह्मा के मोह का प्रसंग। श्री वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद पर टीका लिखी है, सब जानते ही हैं, बड़ी प्रसिद्ध है। उन्होंने ब्रह्मा के मोह के तीन अध्याय 12, 13, 14 उसको उन्होंने कहा कि ये प्रक्षिप्त है, बाद में जोड़ दिए गए। लेकिन क्योंकि श्रीधर स्वामी ने उन अध्यायों पर भी टीका लिखी थी इसलिए वल्लभाचार्य जी ने कहा क्योंकि श्रीधर स्वामी ने इनको माना है इसलिए टीका हम भी किए देते हैं, लेकिन है ये प्रक्षिप्त। मैं ये नहीं कहता है कि वल्लभाचार्य भगवान ने गलत कहा, जैसा कहा हो वो जाने, लेकिन अगर उन अध्यायों को प्रक्षिप्त मान लिया जाएगा तो पूतना मोक्ष का यह श्लोक लग ही नहीं सकता कि कृष्ण भुक्त स्तनक क्षीरा किमु गावो किमु मातरः। याचभानी पूतना ने स्तनपान कराया मर डालने के लिए, जब उसे भी माता की गति दे दी तो जिन गायों का और जिन माताओं का दूध कृष्ण ने साक्षात किया था उनको क्या दिया होगा इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो जिन गायों का और जिन माताओं का ये बहुवचन कभी लगेगा जब ब्रह्मा के मोह की कथा सत्य मानी जाए, तो वही एक ऐसी लीला है जहां कृष्ण ने बछड़े बन करके सारी गायों का दूध पिया और गोपाल बन करके सारी माताओं का दूध पिया। अगर इसे प्रक्षिप्त मान लिया जाएगा तो पूतना मोक्ष का जो ये दशम स्कंद के छठे अध्याय का ये श्लोक है 38वां, ये 38वां श्लोक लग ही नहीं सकता। ये श्लोक का प्रसंग आप तो अप्रासंगिक हो जाएगा। या तु धान्य पिसा स्वर्गम अवाप जननी जते कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमु गावो किमु मातरः। किमु गावा और किमु मातरः, उन गायों और माताओं के भाग्य को कहने के लिए सुखदेव भगवान बोले मेरे पास वाणी नहीं है जिनका आदर सहित भगवान ने सम्मान किया। ये तो यादवानी थी। और इसी श्लोक को देख करके ये बड़ी विचित्र बात है, कथा तो है पूतना की राक्षसी की, लेकिन जब अध्याय पूर्ण करते हैं तो सुखदेव भगवान का मन नहीं माना। जैसे हनुमान चालीसा जब पूरी होने लगी तो बाबा फलस्तुति करते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, क्या होए वो
सिद्धि मिलेगी। बोले कौन कहता है? तो शंकर जी को लाकर खड़ा कर दिया, कहो गवाही दो। साक्षी, साक्षी कौन है? साक्षी माने गवाही कौन दे रहा है? गारंटर कौन है? गौरीसा। जो हनुमान चालीसा पढ़ेगो वह सिद्धि मिलेगी, भगवान शंकर इस बात की गारंटी। अरे हनुमान चालीसा की थोड़े शंकर जी लेते हैं, वो तो जीव के सारे सत्कर्मों की गारंटी देते हैं, सारे सत्कर्मों की। संतों ने सुना होगा संस्कृत साहित्य में भगवान कुबेर के अनुचर पुष्पदंताचार्य के द्वारा भगवान शिव की एक स्तुति की गई है, जिसका नाम है महिम्न स्तोत्रम। महिम्न स्तोत्र नाम सुना होगा। उसमें बड़ी सुंदर बात कही, कृतौ स्वप्ने जाग्रस्त्वमसि फलयोगे कृतुमताम् वकर्म प्रध्वस्तम् फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां संप्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढ़ परिकरः कर्मसु जनः। जब यज्ञ शांत हो जाता है, अग्नि भी बुझ जाती है, राख खा करके लोग नदी तीर्थ में फेंक देते हैं, उसके बाद भी इस यज्ञ का फल मिलेगा, यजमान को विश्वास रहता है, उस फल को दिलाने की गारंटी किसकी है? तो पुष्पदंताचार्य कहते, हे शिव, जब तक फल नहीं मिल जाता तो यज्ञ के सो जाने पर भी आप जागते रहते हैं। जागत स्वमसि फल योगे कृतमता, कृतमता माने यज्ञम कृतमता यजमानस्य फल प्राप्तये त्वं सर्वदा जाग्रदेवासि, हमेशा जगते रहते हो, और जब तुमको देख लेता है कोई गारंटर तो स्वतः श्रद्धां बद्ध्वा वेदवाणी पर श्रद्धा करके कमर बांध करके सब कर्म करता रहता है। अगर गारंटर बढ़िया हो, नहीं बात समझ में आई, तो किसी को भी माल दे दिया जाएगा, कागज के टुकड़े में है क्या, लेकिन उसमें लिखा होता है गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलो लिखा रहता कि नहीं? जहां ये लाइन देखी कि केंद्रीय सरकार गारंटी दे रही है, तो ये पत्ता 100 रुपए का माल हमको दिला देगा। बोलो राजे राजे, केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रत्याभूत, जैसे रुपए का प्रतिभू भारत सरकार है गारंटर है, ऐसे सकल सर्वों के प्रतिभू भगवान शिव है। अत स्वाम संप्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम् सुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढ़ परिकरः कर्मसु जनः। इसलिए गारंटी मिल जाती है जब कोई फलस्तुति हो जाती है। उतना के मोक्ष को कहने के बाद सुखदेव भगवान ने फल स्तुति की, ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्थम अद्भुतम। ये पंडित पछाड़ श्लोक है, कृष्णस्यार्थम अद्भुतम, अर्भकम का क्या अर्थ करेंगे? अर्भकस्य इदम् अर्भक संबंधी माने कृष्ण के दूध पीने की अवस्था का यह जो पूतना मोक्ष रूप कर्म है, इसको जो भी श्रवण करेगा तो सुमया श्रद्धया मर्त्यो, जो मृतलोक का प्राणी श्रद्धा से सुनेगा गोविंदे लभते रतिम। बताइए ध्रुव की कथा न सुनो, प्रहलाद कथा न सुनो, गजेंद्र कथा न सुनो, गोपियों कथा न सुनो, पूतना मैया की कथा सुनोगे, इसके मोक्ष की कथा सुनोगे तो भगवान कृष्ण के चरणों में रति मिल जाएगी, प्रेम मिल जाएगा। भाई पूतना के मोक्ष में ऐसा क्या है कि तो कपट की कथा थी, मां बन करके आई, मार डालने को आई, इसमें क्या था? तो देखो रति, रति का अर्थ होता है प्रेम, और प्रेम का ही नाम है रस। जैसे फल लगता है और रस रहित हो तो अच्छा नहीं होता। आपने वृक्ष लगाया, खूब सींचा, वृक्ष बड़ा हो गया, आप बड़े प्रसन्न हुए, वृक्ष बड़ा हो गया,
प्रसन्न तो हुए लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। अब फूल लगे तो प्रसन्नता और बढ़ गई, प्रसन्नता तो बढ़ी लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। अब फल लग गए, अब और प्रसन्नता बढ़ गई लेकिन संतुष्टि अभी भी नहीं मिली। संतुष्टि कब मिलेगी? जब फल में रस पड़ जाए और रस निचुड़ करके तुम्हारे मुख में। बोलो राधे राधे। नहीं आई गल समझ में? तो संयम नियम फूल फल ज्ञाना। जीवन में संयम आ जाए, मानो जीवन के वृक्ष में पुष्प आ गए, और विवेक हो जाए, ज्ञान हो जाए। ज्ञान माने कौन सा ज्ञान? भागवत रट जाए, रामायण रट जाए, गीता उपनिषद रट जाए, ये ज्ञान। दैट इज नॉट कंप्लीट नॉलेज, ये नहीं ज्ञान है। मतलब फिर ज्ञान उसे कहते हैं कि हृदय से ये पता लग जाए कि मेरा क्या है और छूटने वाला क्या है। जिस दिन ये पता लग जाए, और जिस दिन ये पक्का पता लग जाएगा, तो चश्मा संग जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो ना। ले चश्मा उतरा जाएगा। हे भगवान संभाल के रखें। बताओ, संग में चश्मा भी नहीं जाएगा है, दुपट्टा भी। तो जब चश्मा दुपट्टा भी नहीं जाएगा तो पंडिताइन कहां से जाएंगे? बोलो राधे राधे। जिस दिन ये विवेक हो जाएगा कि संसार केवल व्यवहार के लिए है, ये हमारा परमार्थ नहीं हो सकता है, समझो उसी दिन ज्ञान हो गया। ये है फल। लेकिन खाली फल से काम नहीं चलेगो, उस फल के अंदर रस भी होना। तो हरी पद रति रस दे बखाना। परमात्मा के चरणों में जो रति है, माने जो प्रेम है, वही मानो उस फल में रस है। माने जो पूतना मौसी कथा सुनेगो, वहां को जीवन रसमय है जाएगो। भगवान के चरणों में रति हो जाएगी, माने भगवत चरित्रों में रस आने लग जाएगा। तो रस का अर्थ हुआ प्रेम। अब प्रेम का उपादान क्या है? किस चीज से प्रेम होता है? प्रेम का मुख्य उपादान है दो, पहला स्वरूप और दूसरा स्वभाव। दो राधे राधे। आजकल ज्यादातर जो लड़कों के ब्याह होते हैं वो बहू देख के होते हैं, नहीं होते? तो बहुत सुंदर बहू हो। हमारे पंडित जी जो बैठे हैं, संत राम जी इनके एक मित्र हैं, नाम मैं भी नहीं बताऊंगा, ये भी नहीं बताएंगे। 28 वर्ष के हो गए, हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र थे। मैंने साक्षात पढ़ाया तो नहीं, लेकिन क्योंकि उस विद्यालय में थे तो गुरु भी कहते थे इन लोगों की श्रद्धा है, कह देते हैं। तो मैंने कहा भैया ब्याह क्यों नहीं करते? बोले करें कैसे गुरु जी, अच्छी मिले तो करें। तो मैंने कहा अच्छी किसे कहते हैं? तो एक हीरोइन का नाम बताया। कौन सी हीरोइन थी वो आपको याद? जूही चावला। इनको याद है, देखो बताओ। बोले जूही चावला जैसी होएगी तो हम ब्याह करेंगे। अब जूही चावला मिल जाए और कलयुग की खरोचन होए, समझे, उठते बैठे नाक दम कर दे। कपिल भगवान के पूज्य पिताजी करदम जी ने विवाह के लिए विंध्य सरोवर के ऊपर 10,000 वर्ष तक तप किया, और भगवान नारायण ने पूछा क्या चाहते हो? तो बोले उद्बोध कामः, मैं भार उठाना चाहता हूँ, मैं विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कैसी पत्नी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि समान शीलाम गृह मेघ धेनुम, हमें ऐसी पत्नी चाहिए जिसका शील स्वभाव हमसे मिलता जुलता। देखिए कैसी पत्नी चाहिए, जिसका शील मिलता हो। अब पति पति हो सत्संग वाला, और पत्नी हो क्लब वाली, किट्टी पार्टी वाली। नहीं आई बात समझ में?
है? तो जोड़ी बनी कि बिगड़ी? इसलिए प्रेम का साधन रूप नहीं है। अति सुंदर भी पुत्र पुत्री मित्र संबंधी दो दिन रहते साथ अगर उनका स्वभाव अत्यंत असहनीय हो तो उससे प्रेम समाप्त हो जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि प्रेम का मुख्य उपादान है स्वभाव। क्या है? हाँ, स्वभाव बढ़िया होना चाहिए। और पूतना मोक्ष में भगवान के स्वभाव की प्रतिष्ठा की गई है कि जो विष पिलाने वाली स्त्री को मां की गति देता है, इससे बढ़िया और स्वभाव किसका हो सकता है? आप बता दीजिए। अस स्वभाव कहूं सुन हूं स्वभाव रघुपति ऐसा स्वभाव किसी का है ही नहीं जैसा भगवान का स्वभाव है। इसीलिए सुखदेव भगवान को आकृष्ट करने के लिए वेदव्यास ने दो शिष्य भेजे थे कि दो श्लोक सुनाना हमारे पुत्र को, इनको सुनकर के वो जरूर आकृष्ट होगा। ऋषिकेश में जहां लक्ष्मण झूला है वहां पर आप कभी जाइए, ध्यान से देखना, लक्ष्मण झूले से 500 मीटर आगे 500 मीटर पीछे गंगा में लहर नहीं आती, शांत है वहां गंगा। उसके पीछे भी हाहाकार है, उसके बाद में भी हर हर बहती है, क्योंकि भागवत की कथा उसी जगह हुई थी। बाद में एक शुक्रताल नाम की जगह है, वहां लोगों ने विस्तार करके हल्ला मचा दिया कि भागवत कथा यहां हुई थी। शुक्रताल का नाम है चक्रावतार तीर। आज भी शुक्रताल नहीं लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है शुक्रताल। पहले नाम था चक्रावतार तीर, फिर हुआ चक्र तीर, फिर हुआ चक्रताल, फिर हुआ शुक्रताल, अभी भी शुक्रताल ही है, लोगों ने शुक्रताल बना दिया। ऐसे इतिहास बदल जाते हैं, ऐसे ही भूगोल बदल जाते हैं। वहां पर एक महात्मा जी हो गए चमत्कारी, कल्याण देव जी, उन्होंने एक बड़ा भारी पेड़ लगा दिया बरगद का, तमाम कमरे बना दिए और हल्ला मचा दिया कि यहीं पर भगवान की कथा हुई थी। तो वही बात घटान गज को लोका न लोका पारमार्थिका, चल पड़े पीछे, यही हुई थी, यही हुई थी, सब ताली बजाने लगे। गंगा के तट पर कथा हुई थी और गंगा का ऐसा तट जहां पर गंगा जी न इधर हो सकती न इधर हो सकती, जहां गंगा आज भी शांत है। जब भगवान सुखदेव जी ने कथा सुनाना शुरू किया था तो इतना शोर कर रही थी कि भगवान उठकर खड़े हो गए, बोले चलो ऊपर कहीं पहाड़ से एकांत लाएंगे। तो भगवती भागीरथी अमल तरंगा कलकल निनादिनी जानहरी गंगा प्रकट हो गई,
बोले हे मुनिवर यहाँ तो सब पाप ही धोने आते हैं, आप आए हो कथा सुनाने, यही सुनाओ। बोले माता कैसे सुनाने, आप बहुत स्वर शोर करती हैं। माता ने प्रतिज्ञा की, लो हम शांत हो जाती हैं। आज भी शांत है क्योंकि वहीं पर सुखदेव भगवान का दिव्य तपस्थल है। वही स्नान करके सुखदेव भगवान जब सीढ़ियां चल रहे थे तो वेद अभ्यास भगवान के एक शिष्य ने जोर से एक गाना गाया, अहो बती यम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय दद्य धात्री। सुखदेव भगवान जा रहे थे, पीछे से चेला बोला, धन है बकासुर की बहन पूतना, जिसने मार डालने के लिए भगवान को विष पिलाया, लेकिन ले है गतिम दासिताम तकोनियम संवादयारुं शरणम वेदे। वो गति जी जो अपनी सगी माता को दूध पिलाने वाली धाय को दी जाती है, ऐसे दयालु को छोड़ करके हम किसकी शरण में जाएं। सुखदेव भगवान ने पलट के देखा कि ये स्वभाव किसका हो सकता है जो मार डालने की इच्छा से आवे उसको माता बना हुए। सुनो यहाँ यहाँ सिद्ध राम भैया तुम किसकी बात कर रहे हो, ये स्वभाव किसका है, किसने जहर पिलाने वाली स्त्री को माँ बनाया, तुम बताओ तो हमें किसका स्वभाव है ये। अब हमारा मन सब में नहीं लग रहा है, ये किसका स्वभाव है। तो कहा मैं क्या बताऊं किसका स्वभाव है, हम बताए देते हैं, हम स्वरूप बताए देते हैं। तो दूसरा श्लोक सुनाया, बरहा प्रीतम नटवर वपु, जिनके मस्तक पर मयूर का पंख लगा रखता है और जो नट की तरह सजे हुए रहते हैं, जिनके कानों में कर्ण फूल की जगह पर कनेर के फूल लगे हुए हैं, करणयो करणी कारम, और जो उनका वस्त्र है वो सुवर्ण की तरह चमकता है, विभरद वास कनक कपिशम वही जयंती वैजयंती माला को जो पहनते हैं और जब वासुरी को अपने अधर पर रखते हैं, धीरे से स्वर फूंकते हैं, उंगली चलाते हैं, सुरधान वेनो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम नारिषद गीत की। वेदव्यास भगवान वृंदावन की कैसी महिमा कह रहे हैं, कैसा है वृंदारण्य स्वपद रमणम, कौन है स्वस्य पदौ स्वपदौ और ताभ्याम रमणम, भगवान कृष्ण के जो निज चरण उनके चलने से जो वृंदावन अत्यंत रमणीय हो गया है, ऐसे वृंदावन अपने चरणों के केवल प्रक्षेप मात्र से जो वन अत्यंत रमणीय हो गया है, अथवा स्वा माने राधा, भगवान की निज अपनी कौन है, रासमंडल में गोपियों की अहंकार करने पर प्रभु अंतर्धान हो गए। सुधी जन जानते हैं कि उस समय भी एक गोपी को अपने साथ ले गए, भले ही नाम नहीं बताया, वो गोपी कौन रही होगी सोचो, देखो अपनी है। अगर हम यहां से तुरंत चलेंगे तो दरी भले न उठा ले जाए, लेकिन अपनी कुटिया तो लेके जाएंगे लुटिया, बोलो राधे राधे। अपने माल को कोई नहीं छोड़ता, भगवान की जो निज है, जो अपनी है, जो सिया है, वो है राधा। तो स्वपदम माने राधिका चरणम और ताभ्याम रमणम इति स्वपद रमणम, राधा जी के चरण चिन्हों से जो वृंदावन अत्यंत रमणीय हो गया है। अथवा आपने रामायण में सुना, यह चरित्र जे गावई हरि पद पावई,
तो स्वपद माने स्वपदम वैकुंठम, उनका निज पद है वैकुंठ। और वृंदावन ऐसा है स्वपद रमणम, स्वपदापि रमणम, जो वैकुंठ से भी ज्यादा रमणीय है। ऐसे श्री वृंदावन धाम में प्रभु बांसुरी बजाते हुए प्रवेश करते हैं। ब्राविशद गीत कीर्ति, हम उन्हीं की बात कर रहे थे जो अपनी माता की गति उसको देते हैं जो विष खिलाने आती है। सुखदेव भगवान ने कहा हो गया भजन, बहुत दिन तपस्या कर ली, हमको नहीं अब आनंद आ रहा है, ये बताओ ये कहाँ के श्लोक हैं, ये किसकी निधि है। तो शिष्य ने कहा ये तो आपकी ही संपत्ति है, ये आपके पिताजी के द्वारा बनाई गई संहिता है, ऐसे ऐसे तो 18,000 हैं। तो तपस्या छोड़ करके श्री सुखदेव भगवान आकर के वेद व्यास इस बात तेरा भागवत पढ़ी। ये है भगवान के स्वभाव का चमत्कार। इसलिए भगवान के स्वभाव जैसा किसी का, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं शिव जी। रोज चौपाई पढ़ते हैं, भले ही वो लगता फीकी लगती हो। उमा हे पार्वती जी, मैं सत्य कहता हूं, राम स्वभाव जही जाना, जिसको भगवान के स्वभाव का ज्ञान हो जाए, नहीं जानता उसके लिए क्या करें। तो जहां स्वभाव पता चल जाएगा तो ताही भजन तजी भावन आना, उसको भजन को छोड़ करके और को अच्छा, क्योंकि वो राक्षसी को माता बना देते हैं। इसलिए जो भी इस कथा को श्रवण करता है, श्रोया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम, गोविंद भगवान में उसको अवश्य ही रति प्राप्त हो जाएगी। बोलिए नंद के लाला की, उतना का भगवान ने उद्धार किया। पर्वत लेने के दिन जब माता यशोदा ने महाराज उत्सव किया, तो उस दिन उत्कच नाम का दैत्य आ गया शकटासुर बन करके, 1,00,000 मार करके उसको भी कंस मामा के पास भेज दिया। माता यशोदा अपने लाला को ज्यादातर कंधे पे रख के नहीं खिलाती थी, हाथों में झुलाती रहती थी। लाला माने जानते हो क्या होता है? लाला बड़े सेठों को भी आजकल लोग लाला कहते हैं, वो लाला दूसरे अर्थों में है। वहां लाला शब्द का अर्थ है ला ला, ले आ ले आ सब माल यही धर जा, जो माल इकट्ठा करे उसका नाम लाला है? लेकिन भागवत जी में लाल शब्द का क्या अर्थ है? संस्कृत में लाला माने होती है ओठों से, छोटा बच्चा जो होता है उसके ओठों से बहुत पतला पतला रस बहता रहता है। गल समझ आंदी कि नहीं? और मैया जब लाला की चुम्मी लेती है, जैसे चुम्मी ली ओठों में उसका रस लग गया तो कैसा होता है? मीठा मीठा कि खट्टा खट्टा? बहुत मधुर होता है। अधर रस, पुराने जमाने में जो लड़के पैदा होते थे बुढ़ापे में, जो बूढ़े लोग उनसे पूछो, आज के 50-60 वर्ष पहले वो इतनी लार चपकाते थे, उनकी माताएं गले में मोटे मोटे कपड़े बांध देती थी ताकि भीगे ना। ऐसा लड़का देखा है कभी नहीं किसी ने। भैया एक आधे तो हाथ उठाए दो ना, लोग कहेंगे गप लगा रहे, ये देखो तुसी भी व्यक्ति ले। आजकल के लड़के कंप्यूटर से पैदा होते हैं, उनके लार ही नहीं चपकती। क्या कभी आपने विचार किया कि पहले लार क्यों चपकती थी, अब क्यों नहीं चपकती? उसका उत्तर चरक संहिता में है, गर्भिण्यास तत्तदीक्षाया दोहदत्तम प्रकीर्त्यते। जब माता गर्भवती होती है तो उसको नाना प्रकार की इच्छाएं होती हैं, खाने की, पीने की, घूमने की, जाने की। और वो इच्छा अगर पूरी न हो उसे कहते हैं दोहद। कभी समोसा खाना चाहती है, कभी कुल्लड़ फोड़ के खा जाती है, कभी कच्ची अनिया खाती है, कभी नींबू चाटती है, कभी जलेबी खाती है। ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे, ये खाएंगे,
बोलो ना राधे राधे। अगर वो निच्छा की पूर्ति नहीं होएगी तो जो लड़का या लड़की पैदा होगा वो लार सकाएगा। पुराने जमाने में पहले जल्दी शादी हो जाती थी, लड़का कमाता नहीं था, बहू आती थी, गर्भवती होती थी, उसका मन तो होता था आज हम दूध जलेबी खाएं, लेकिन सास क्या कहना। एक बहू से हमने पूछा बिटिया तुम्हारी सास कैसी है, बोली सांस नहीं लेने देती, जो सांस न लेने दे उसका नाम। एक जगह कथा हो रही थी, सच्ची बात सुनो माता जी, तो नुहा आगे बैठी थी तो पंडित जी भी बड़े विनोदी थे, उन्होंने कहा माताओं बहनों बताओ वैकुंठ कौन कौन जाएगा, सबने हाथ उठा दिए, आगे की बहू जो बैठी थी नई नू उसने हाथ नहीं उठाए। पंडित जी ने क्यों बिटिया तुम नहीं वैकुंठ जाना चाहती, तुमने हाथ नहीं उठाए। बोले हमारे जो बगल में बैठी है ये मेरी सास है, ये तो दोनों हाथ उठाए हैं, जब ये चली जाएगी तो यही वैकुंठ हो जाएगा, जाने की जरूरत ही नहीं। बोलो समझे, बोलो। तो पुराने जमाने में सास के भय से बहुएं अपनी इच्छाओं को दबा देती थी, इसी जो लड़के पैदा होते थे वो लार सबकाते थे। आजकल की बहुएं बीए पास, गले में बैग लटका हुआ है, वो खुद खड़े होकर के चांदनी चौक में गोलगप्पे खाएंगी सास उनके ठेंगे से। आजकल की बहुओं की इच्छाएं चौकी पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए आजकल के बच्चे लार नहीं टपकाते, यही सत्य है। लेकिन भैया भगवान श्याम सुंदर की मैया तो कारागार में रही जेल में, वहां तो कोई इच्छा पूरी हुई नहीं, इसलिए कन्हैया ने वो चरित्र किया कि मेरी मैया दुखी थी। इसलिए जिसके लड़के की लार टपक रही हो समझ लेना कि गर्भावस्था में इसकी मैया दुखी थी, कि माता के सुख दुख का प्रतीक है। तो बहुत लार टपकाता था, इसलिए नाम ही रख दिया लाला। लाला माने लार, लाला माने तो हाथों में झुलाती रहती थी। एक दिन महाराज प्रणावर्त नाम का दैत्य आया, हाथों में कन्हैया को खिला रही थी, सोच के भार को बढ़ा दिया अपने शरीर को, गरिमानम शिशोर बोधुम नसे हे गिरिकूटवा। देखो यशोदा मैया भरे घर की थी, खूब दूध दही होता था, खुरचन खाती रहती थी, ठीक ठाक थी, कोई डाइटिंग थोड़े करती थी राधे राधे, मोटी ताजी थी, खूब गोल मटोल नहीं समझे। तो कन्हैया ने मन में विचार कियो, मैया मोटी ताजी है, ये आए गो दैत्य, और अगर माँ के तेज उड़ा के ले गया तो इसे बड़ी पीड़ा होगी, इसलिए इतना भार बढ़ा दिया, इतने भारी हो गए। उसने पुत्र को उठा करके धरती पर बिठा दिया, गरिमाणम शिशोर बोढ़ुम। इस प्रकार से प्रणावर्ताया आकाश मार्ग में ले गया, भगवान ने उसके भी गले को पकड़ के तोड़ डाला, उसको भी यमराज के निकेतन का अतिथि बना दिया गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, इतनी लीलाएं हो गई हैं। वसुदेव जी पता लगाए रहते, मेरो लाला का कर रो हो गो, का खाए रो हो गो, का पी रो हो गो, वाको कौन कौन संस्कार भयो, अभी तक तो नामकरण भी नहीं हुआ, तो अपने कुल के जो श्रेष्ठ पुरोहित हैं गर्ग महात्मा, उनसे कहा प्रभु आप चले जाओ, हमारे बालकों के नामकरण संस्कार को करियाओ। तो गर्ग पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपाः ब्रजम जगाम नंदस्य। क्यों गए, वसुदेव प्रचोदितः, वसुदेव के कहने से कि आप चले जाओ। और यहाँ आए, पहले तो नंद बाबा को समझाया कि कंस को संदेह है, क्या संदेह है, देव क्या अष्टमो गर्भो नस्ति भवितुमर्हति, देवकी का आठवा गर्भ स्त्री नहीं हो सकता, और मैं यदि कुल का पुरोहित हूँ तुम्हारे बालकों का नामकरण करूंगा,
कंस का संदेह दृढ़ हो जाएगा, इसे तुम किसी गांव के ब्राह्मण को बुला के नामकरण कराए लो, हमसे क्यों करवाते हो। नंद बाबा बोले, चिंता मत करो, भले ही तुम यदि कुल के आचार्य हो, लेकिन हमारी जो गौशाला है उसमें लाखों गायें हैं, हम तो अंदर चले जाएंगे, कोई जान ही नहीं पाएगा। अलक्षितोस्मिन रहसि, एकांत में माम कैरति गोव्रजे, हमारे निज जो संबंधी हैं उनमें से भी हम एक ही दो को ले चलेंगे, चिंता न करो। कुरुद्युजाति संस्कारम, लोग समझते नंद बाबा पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, मैया कह रही है कि महात्माओं को प्रणाम करके कहो कि थोड़ा आगे सर क्या में, फिर वही इच्छे आ तो राशि तेरी कट जाए, आओ ना इच्छे आ तो राशि तेरी, हाँ उठ के आ जाओ, उठ के सगे होने चाहिए। रसी तेरी कट जाएगी, प्रतिविषया भिखारा वलो हट जाएगी, प्रतिविषया भिखारा वलो हट जाएगी, निज आत्म स्वरूप विच गुरु सुजाति संस्कार भक्ति वाचन भूल। नंद बाबा अनुष्ठान कराते रहते थे, भगवान अगर घर में संपत्ति दे संत ब्राह्मणों को बुलाते रहना चाहिए। नंद बाबा जानते थे, हमने ऐसे परिवार देखे हैं जब उनके यहाँ ब्राह्मण जाते हैं अनुष्ठान करने तो उनके बच्चे उनके साथ वेद मंत्र पढ़ते, अनुष्ठान करते करते याद हो गए। आप पटना के श्याम सुंदर जी को जानते ही हैं, एक बार एक पंडित जी वहां थे, वो पूजन करवा रहे थे, एक चीज भूल गए चढ़वाना, बोले महाराज जी ये रह गया, आप भूल गए मंत्र, मंत्र बोलने लगे। नंद बाबा उसी तरह के, वो कहते महाराज जरूर कराओ हमारे बालकों का नामकरण, लेकिन स्वस्ति वाचन पूर्वकम, स्वस्ति वाचन कर देना, पुण्यावाचन कर देना, मंगला शासन कर देना, आशीर्वाद दे देना, हमारे बालकों का आप नामकरण कर दो। बड़े प्रसन्न हुए, सारे नाम और रूप जिस परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। जरा विचार कीजिए, थोड़ा सा उदाहरण है, मिट्टी के जितने नाम रखे जाएंगे वो मिट्टी में ही है कि और कहीं है, सुराही कहो, सकोरा कहो, कुल्लड़ कहो, प्लेट कहो, घड़ा कहो, सब नाम उसी में लीन हो जाएंगे। सकलम नाम रूपात्म मकम जगत यस्मिन प्रभो लीनम भवति तस्य नामकरण मया क्रियमाणम अस्ति। यही तो बात है वशिष्ठ गुरु से, राजा दशरथ ने कहा था कि इनका नाम रखो, वशिष्ठ ने हाथ उठा दिए, इनके नाम मैं महात्मा
नामानि रूपानि च सुतस्यते। तुम्हारे पुत्र के नाम तो अनंत है, रूप भी अनंत है, लेकिन गर्गभाषा ने एक बात बड़ी ऊंची कह दी, वो वशिष्ठ नहीं कह पाए। राधे राधे, क्या कह दिया? गुण को गुण कर्मानुरूपाणि तानि अहम् वेद नो जनाः। भगवान के गुण और कर्म के अनुरूप जितने नाम हैं, हम उन नामों को केवल मैं जानता हूं और कोई। तो बहुत दिन विचार करते रहे कि किस बल से गर्ग महात्मा ने कह दिया कि मैं सब जानता हूं। रजान कश्चित दिमने पृथिव्या, भागवत जी कहती हैं कि पृथ्वी के सारे पिंड को अगर कोई उड़ा दे, धूल बना दे और धूल बन करके ढेर लग जाए, तो सारी पृथ्वी के धूल के कणों को भले ही कोई गिन ले, इधर गिन नहीं पाएगा। बोलो राधे राधे। लेकिन भगवान के गुणों का गिनना बड़ा कठिन है। फिर गर्ग महात्मा कैसे कह रहे हैं कि गुण कर्मानुरूपाणि तानि अहम् वेद मैं जानता हूं? तो उसका बहुत दिन चिंतन करने के बाद संतों की कृपा से, संतों के संग से एक भाव आया जो आपके चरणों में निवेदन करता। अयोध्यावासी संत अगर यहां बैठे हो और वृंदावनवासी भी बैठे हो और अपने अपने ठाकुर की प्रशंसा करें, तो अयोध्यावासी कहेंगे कि हमारे राम जैसे सुंदर कोई ना है। कहेंगे कि नहीं, ऐसे से करो या ऐसे से करो? जब कहेंगे कैसे, तो बोले राम जी तो इतने सुंदर थे। अब देखो सुंदरता का उदाहरण, हम लोग सुंदर बनने के लिए रोज स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, फेयर एंड लवली लगाते हैं, चंदन बंदन लगाते हैं। बोलो राधे राधे। और हमारे प्रभु राम ने 12 वर्ष तक केवल नदी में स्नान किया, तेल का स्पर्श नहीं किया, जटाओं में कंघी नहीं की। आप लोग सहमत हैं कि नहीं? क्योंकि जिस दिन श्रृंगवेरपुर में प्रभु राम पहुंचे थे तो प्रातः हो बट क्षीर मगाए, भगवान ने निषाद राज से कहा कि तुम हमें बरगद का दूध ला दो। और जब बरगद का दूध आ गया तो अपनी जटाएं जो कितनी सुंदर थी उनको पकड़ के बरगद का दूध लगा लगा करके लड़िया बनाने लगे, जटाएं बनाने लगे। अनुज सहित प्रभु जटा बनाए और देखी सुमन नयन जल। महामंत्री ने जब जटाएं बनाते हुए देखा तो उसकी छाती फट गई, कितने सुंदर भगवान के केश और आज ये बरगद के दूध से चिपका दिए गए, अब इनमें कभी कांगी नहीं होगी। उन जटाधारी भगवान को देर करके सूर्पणखा जैसी राक्षसी कहती है कि तुमको मैंने देखा, मैं विवाह करना चाहती हूँ। चलो कोई बात नहीं, वो स्त्री थी, स्त्री ने पुरुष को देखा, वो मुग्ध हो गई, ये कोई विलक्षण बात नहीं है। विलक्षण बात क्या है कि जब नाक कट गई, अपने भैया को लिवाए लाई, उंगली उठाए कि बोली आई ने काटी है, तो खरदूषण सूर्पणखा कहते हट सामने से, पहले देख लेने दे, मैंने जीवन भर इतना सुंदर नहीं देखा। राक्षस मुग्ध हो सचिव बोली, बोले खरदूषण यह कौनृप बालक नरभूषण, हम सब जीवन भरी जीवन सुनहु सब भाई, नहीं देखी असि सुर नर नाग देव मुनि माही। मैं सुरलोक गया, मैं नागलोक गया, मैं मुनिलोक गया, लेकिन शोभा असी कहो सुनियत। अरे देखने की छोड़ो, हमने आज तक ऐसा सुना भी। अयोध्या के संत कहेंगे राम जैसा कोई दुनिया में सुंदर
लेकिन ये बात अगर वृंदावन के संत से कह दे होगे तो लड़ने को तैयार है जाए, वो तुरंत डंडा उठाएगा, खबरदार हमारे श्याम सुंदर के समान संसार में कोई रमणीय कमनीय गलित ललित नहीं है। हमारे कृष्ण कोट कोट कामदेव के सौंदर्य दर्प के जलन करने वाले लावण्य को धारण करते हैं, हमारे कृष्ण जैसा कोई। अयोध्या वाला क्या बोलेगा, राम जी सुंदर है। बोलो वृंदावन वाला क्या बोलेगा, तो फैसला कैसे होगा, निर्णय कैसे होगा? तो निर्णय करेगा कोई ज्योतिषी, पंडित जी करेंगे निर्णय, सुंदर कौन है उसकी लग्न देखी जाएगी, इसके प्रथम भाव में कौन बैठा हुआ है अथवा सप्तम में कौन है, किस सुंदर ग्रह की दृष्टि परिपूर्ण रूप से पड़ रही है, तो जिसके केंद्र में चंद्रमा हो और वह भी महाराज सप्तम भाव में बैठ करके सीधे हाइलोजन जानते हो राधे राधे, अरे बड़ा वाला बल्ब नहीं आई समझ में, तो भगवान श्री कृष्ण के सप्तम भाव में परिपूर्ण चंद्रमा शरीर को देख रहा है महाराज, सर्च लाइट लग रही है, जो कांति जो लालित्य जो जो है सौंदर्य उनके अंदर दिखाई पड़ता है। राम जी हैं बड़े सुंदर धीर गंभीर हैं, लेकिन भगवान कृष्ण तो अगर देख ही ले ऐसे कर ले तो गजब हो गया। गोपियां कहती यही रुवा निपीत मनोरक्त कटाक्ष मोक्षम, हे गोपी जिसको आंखें मिली हो और उस आंखों वाला और भगवान को तिरछी नजर से देखते हुए देख ले तो समझो आंखों का फल मिल गया, नहीं तो उससे तो अंधा ही अच्छा है। वाह, और गर्ग महात्मा है ज्योतिषी, बोलो ना देला दे है कि नहीं भैया, तो इसी जन्म पत्री बनाई लग्न और भगवान के ग्रहों को देखा तो सारे गुण उनके सामने खड़े हो गए। ओहो ये ग्रह ज्योतिषी बता सकता है, इसलिए वशिष्ठ जी ने नहीं कहा कि हमको राम जी के सारे नाम मालूम है सारे गुण मालूम है, लेकिन गर्ग महात्मा क्योंकि ज्योति हैं और ग्रहों को देख करके सारे गुणों का स्मरण हो गया है, इसलिए वो छाती ठोक के कहते हैं कि गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहं वेद नोदनाः। जो ज्योतिष नहीं पढ़ा होगा वो इतना गुणों का नहीं अनुमान कर पाएगा, मैं जानता हूं तुम्हारे पुत्र में कितने गुण हैं, ये लक्षण जो तुम्हारे पुत्र के हैं इन लक्षणों वाला कोई भी पुत्र होगा तो वो मनुष्य नहीं हो सकता, वो तो नारायण ही। तस्मान नंदात्म जोयम ते नारायण समो गुण, ये नारायण है, इसने नाना प्रकार के शरीर धारण किए हैं, कभी ये शुक्ल होता है कभी पीत होता है कभी रक्त होता है, इदानीं कृष्णतहं गतः अभी ये काला हो गया है। देखो छोटे पर बच्चे के मस्तिष्क में कोई खराब बात नहीं डालनी चाहिए, गर्ग महात्मा ने जब नाम रखा तो नाम रखते समय कह दिया कि इनकी तीन चीजें खतरनाक है, राधे राधे इनसे इनको बचाना, किससे किससे, बोले स्त्रिया कीर्त्या अनुभावेन, इनकी सुंदरता से बचाना, इनकी कीर्ति से बचाना, इनके प्रभाव से बचाना। गोपी बोली सब हम बचाए लेंगी, ताकि सुंदरता बढ़ने नहीं देंगी, हम कहेंगी तो कारो कारो है तेरो ब्याह नाए हुए गो खरीद के आयो है, ऐसी फोबिया बैठ गई कृष्ण के हृदय में कि 16,108 ब्याह हुए लेकिन एक भी इज्जत से नहीं हुआ। ये बड़े दुख की बात है, एक भी ब्याह ऐसा नहीं हुआ कि लड़की का पिता दरवाजे पर आया होता और पाटा पे बैठा के तिलक किया होता, कोई रास्ते में मिल गई, कोई एक्सीडेंटली मिल गई, कोई बाई चांस मिल गई, कोई पटाई ली कोई उठाई ली, बोलो राधे राधे हद हो गई। क्यों, क्योंकि गोपियों ने गर्ग महात्मा के कहने से
किसकी सुंदरता मत बढ़ने देना। इतना हो गया कि भगवान को ये कहना पड़ा कि हे माता यशोदा सच सच बता कि मैं तेरा बेटा हूं कि नहीं हूं। गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्याम स्वरूप। माता से बोले मैया बोलो हम तेरे बालक हैं कि नहीं। तो छाती से लगा के बोली कहा जसुमति मोहि गोधन की सौ। मैं गाय की सौगंध खाती हूँ हाँ जननी तू पुत्र। मैं तेरी माँ हूँ तू मेरा। लेकिन गोपियां रोज कहती थी तू यशोदा का नहीं है। फोबिया बढ़ गया। इसीलिए ही तो संत गीत गाते बड़ा प्रसिद्ध है तमाम भजन कि जब जब यशोदा प्रसन्न होती थी भगवान से कहती थी बोल बेटा क्या चाहिए तो पहला वाक्य बोलते थे किसी जुगाड़ से ब्याह करा देना। क्योंकि गोपियां कहती हैं तुम्हारा मेरो ब्याह करा दे मैया मेरो ब्याह करा दे मैया मेरो ब्याह करा दे तेरा जी गोरी से राधिका गोरी से तेरा जी गोरी से राधिका गोरी से तेरा ब्याह करा दे कृष्ण है कृष्ण सुफलो तथा पीता कृष्णता। लोग कहते हैं कि गर्ग संहिता की रचना गर्ग महात्मा ने ही की है और गर्ग संहिता में ही अब प्रसिद्ध श्लोक है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा। ये भी गर्ग संहिता का ही श्लोक है और मुझे स्मरण नहीं आ रहा है लेकिन संत ने बताया था कि तुमेव माता च पिता तुमेव भी गर्ग संहिता में है। किस क्षेत्र में है वो खोजने का विषय है लेकिन बात प्रामाणिक होनी चाहिए। इसलिए गर्ग महात्मा ने जब नाम रखा तो कृष्ण शब्द का अर्थ भी गर्ग संहिता में बताया या नहीं बताया या तो तुमने कह दिया कि वो काले काले हैं इसलिए इनका नाम कृष्ण है। महात्मा गर्ग कहते कृष्ण भूवाचक शब्द कृष्ण माने क्या होता है। तो जो व्याकरण थोड़ा भी पढ़े होंगे तो पहली धातु है भू धातु भू सत्तायाम भू माने सत और कृष्ण का अर्थ है भू। कृषक कृषक क्या करता है बार बार दाना डालता है बार बार उगता है। जब तक दाना धरती पर पड़ते रहेंगे तब तक दानों की परंपरा चलती रहेगी। तो भू कृष्ण माने भू और भू माने सत और लक्ष्य निवृत्ति बात कहा। एक शब्द है प्रवृत्ति एक शब्द है निवृत्ति और एक शब्द है निर्वृत्ति। निर्वृत्ति माने परमानंद शांत होना। हम कर्म में लगे हैं ये प्रवृत्ति है हमने कर्म छोड़ दिया ये निवृत्ति है। लेकिन कर्म छोड़ने के बाद भी कर्म की वासना नहीं छूटती। आपने गंगा किनारे जाकर के एक अंगूठी का दान कर दिया बोलो राधे राधे। अब रात को आप सो रहे हैं चद्दर में अंगूठी की याद आ रही है आज हमने एक अंगूठी दे दी तो दी कहां वो तो तुम्हारे अंतकरण में अभी भी तैर रही है। इसी तरह से हम कर्म को त्याग देते हैं करते नहीं दिखते हैं लेकिन वो कर्म की वासना हमारे अंतस्थल में बैठी रहती है। सर्वथा कर्म से निर्मुक्त हो जाना जैसे केचुल छुप जाती है सर्प की। नहीं समझे केचुल नहीं जानते हैं सर्प की त्वचा जब पक जाती है आंखों पे चढ़ जाती है उसे दिखता नहीं है तो सर्प कोई सकरा फिल ढूंढता
और सकरे दिल में जिसमें प्रवेश करना कठिन हो, सिर लगा करके बड़ी जोर शक्ति लगाता है तो माथे से वो त्वचा फट जाती है और फट करके अंदर प्रवेश करता है तो वो त्वचा बाहर रह जाती है और सर्प उसके अंदर चला जाता है। आपने देखा होगा बड़ी लंबी लंबी खोले जो है पॉलिथीन की तरह सर्प की मिलती है, उसे केशुल कहते हैं। जैसे सर्प केशुल का परित्याग करके फिर कभी उसका स्मरण नहीं करता, फिर उसमें कभी जाने की इच्छा नहीं करता, इसी तरह से यदि जीव कर्म से मुक्त हो जाए तभी उसको निर्वृत्ति मिल सकती है। निर्वृत्ति माने शांति मिल सकती है। तो कृष्ण माने सत और न माने निर्वृत्ति, सत और निर्वृत्ति को जोड़ दीजिए। निर्वृत्ति का शुद्ध अर्थ है आनंद, तो सत और आनंद इन दोनों को पास लगाओ तो शब्द बन जाएगा सदानंद। कृष्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सदानंद। कृतिर्भुवाचक शब्दः ऋणस्य निर्वृत्तिवाचकः तयोरैक्यं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। और ब्रह्म को परमानंद ही माना गया है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, जो ज्ञानमय है, जो सत्यमय है, जो अनंत है, जो आनंद है, इसे भगवान के तीन ही नाम है, सत चित और आनंद। मिला दो तो क्या हो गया? सच्चिदानंद। तो वृंदावन है सत और कृष्ण है चित और गोपियां हैं आनंद। जहां पर वृंदावन हो, जहां श्री कृष्ण हो, जहां गोपियां हो, वहीं सच्चिदानंद घन रस प्रकट ही हो जाता है। इसीलिए वृंदावन को श्रेष्ठ माना गया है। यहां तो सारे जीव गोपी भाव में रहते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसलिए तुम्हारा ये पुत्र जो है वो कृष्ण है। कृष्ण माने सदा आनंदमय है। और जो बड़े भैया हैं, इनका नाम पहले भी राम था, अभी भी राम है, पहचान के लिए इनमें हम बल विशेषण लगा देते हैं, तो बलाधिक्या बलम विदुः, इनकी रक्षा करो। नंद जान गए कि हमारे पुरखों का, हमारे सत्कर्मों का, हमारे द्वारा आराधित देवताओं का संपूर्ण आशीर्वाद लगता है हमको मिल गया। नंद प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषाम। अब मुझे लगता है कि हमारे सारे सत्कर्मों का फल मुझे मिल गया। नंद बाबा के उसके बाद भगवान धीरे धीरे घुटनों से चलने लगे। जब भगवान चलने लगे तो महाराज उनके पैरों में पैजनिया भी बजने लगी। पैजनिया जगो आधा चलने लगे, आधा चलने लगे पैजनिया। कभी रोए तो ऐसे कि चुप ना हुए,
कभी रोते ही रोते वो हंसने लगे लगे तो नाना प्रकार की बाल लीलाएं भी करने लगे। बालावस्था में बालक जितना चपल हो चंचल हो, युवावस्था में उतना ही बलिष्ठ और बुद्धिमान होता है। कई बार माताएं कहती हैं, महाराज हमारा बच्चा बहुत ही नटखट है, शांत नहीं बैठता। अरे बालक तो नटखट ही अच्छे लगते हैं, क्या तुमने गोबर गणेश पैदा किया? जहाँ धर दिया वहीं धरा रहे। अगर छोटे बालक को माँ बैठा दे वहीं बैठा रहे घंटा भर, समझ लो ये या तो परमहंस है या महामूर्ख है, दो ही हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र क्या कहना, श्रृंगी जलकंच के भ्यः। सुखदेव भगवान जैसे महायोगी प्रभु कृष्ण की बाल लीलाओं में मन को रमाते हैं। कभी गायों के सींग पकड़ के झूला झूलते हैं। अब बोलो जरा विचार करो, किसी का बच्चा छोटा सा 2 वर्ष का हो, पैरों से चलने लगे और बाहर गैया तो उनसे प्रेम करती है, सिर झुका देती है, उठा लिया पकड़ लिया सींग, गैया प्रसन्न, भाई चलो मेरे हाथ तो नहीं है, हम लाला को अपनी सींगों की गोदी में ही झुलाए। अरे गैया, लेकिन जब पड़ोसी ने चिल्लाए के कही, ए मैया अरे तू का बावरी भई, तेरो छोरा देख कैया के सींगन में लटक रहो है, तो बोलो माताओं अगर आप भोजन बना रही हो और तुम्हारो लाला कैया के सींग में लटको हो तो पहले भिंडी काटोगी कि लाला को छुड़ाने जाओगी? बोलो राधे राधे। तब श्रृंग अग्नि कभी सींगों में उलझा है, कभी अग्नि में उलझा है, कभी तलवारों से खेल रहा है, कभी जलकुंडी। मैया ने कहा बेटा यहीं तू बैठ जा, काम करने दे। आप तो जानते हो वृंदावन में पानी की कमी रहती है, लोग घरों में कुंड बनवाते हैं, टैंकों से जलवाते हैं, डलवाते कि नहीं बोलो? तब तो मैया यशोदा ने रसोई में भी 2 कुंडी बना रखी थी, 4 फुट गहरी 2x2 की। कन्हैया वही खड़ा था, छप छप कियो जम से कुंडी में कूद पड़ो, मैया मैया अब बोलो, 1.5 फुट को छोरा 4 फुट की कुंडी में कूद जाए, वो पानी से भरी होए तो मैया कढ़ैया देखे कि कन्हैया देखे? बोलो राधे राधे, का देखेगी, कन्हैया की कढ़ैया? तब कढ़ैया जर गई, कन्हैया को निकाल लियो। सुंदर तौलिया से पूछे,
सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और कही लाला ये काम करने दे, ऊंचे से पलंग पे जाए के बैठाई दियो, अया से उतरियो ना, हो मैया ना उतरूंगो। लेकिन मन में विचार कही कि उतर बेटी तो मना करी, खड़े है बेटी तो ना मना करी। बड़ी सुंदर बात है, कल मोदी जी अपनी सभा में एक बड़ा सुंदर दृष्टांत सुना रहे थे, हमको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा एक रिक्शे वाला बड़ा चतुर था, उसने रिक्शे पर बोर्ड लगा दिया कि रिक्शे पर बिना पैसे के बैठो। एक सज्जन बड़े सीधे थे, बैठ लिए। जब पहुंच गए अपनी जगह पर तो उतरने से बड़े बोले पैसा दो। बोले क्यों भाई, तुमने तो लिखा हुआ है कि रिक्शे से मुफ्त में बैठो। बोले बैठने के लिए मुफ्त में लिखा है, उतरने के लिए थोड़े मुफ्त में लिखा है। बैठना है बिना पैसे के और उतरना है पैसे दे करके। अब बताइए वही बात है, कन्हैया ने मन में विचार किया, उसकी निंदा कर रहे थे केजरीवाल की। आजकल नेता लोग तो कुछ भी कह रहे हैं, बड़ा घमासान मचा हुआ दिल्ली में, पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। अस्तु, कन्हैया मन में विचार किया कि मैया ने पलंग से उतरवे की मना करी, खड़े हेवे की चढ़वे की तो हाओ मैया। एक सज्जन से हाओ जानते हो क्या होता हाओ माने, एक सज्जन आ रहे थे चेन्नई से, आधी रात ग्वालियर में उतर के, लाइट थी नहीं प्लेटफार्म पर, कहीं ग्वालियर दिखाई नहीं पड़ा, उनको ग्वालियर जाना था। एक सज्जन से पूछा भैया ये ग्वालियर है? बोले हाओ है। ओहो हाओ है, ग्वालियर नहीं है। जाना कहाँ था, कहाँ पहुंच गए हाओ में। एक और सज्जन से पूछा भैया हमको ग्वालियर जाना था, ये ग्वालियर है? हाओ है, हाओ है। बड़े परेशान, गाड़ी भी चली गई, तब तक एक बड़े लिखे से सज्जन बैठे मिले उनको, भाई साहब हमको ग्वालियर जाना था, हम यहाँ उतर गए, ग्वालियर नहीं है। अरे हाँ जी ये ग्वालियर है, आप क्यों परेशान है, ग्वालियर है। अरे जिससे हम पूछते हैं वो कहता है हाओ हाओ। बोले कि वो जो पढ़े लिखे नहीं होते ना गंवार, वो हाओ कहते हैं। बोले आप पढ़े लिखे हैं? बोले हाओ हम पढ़े लिखे हैं। बोलो राधे राधे। अब बताओ मैया से कही मैया हाओ उतरूंगो नाए, और जैसे ही मैया गई रसोई की ओर तो खड़े हो गए। ये सुखदेव भगवान कह रहे हैं, हम अपनी ओर से नहीं बना कह रहे हैं। द्विज कंटक ब्याह, ऊपर पिंजरा लगा हुआ था, द्विज द्विज माने पक्षी पकड़ के पूंछ, और तोते की खींचना शुरू किया, तय तय किया, झट से उसके मुख में उंगली रख दी, चुप चुप मैया आ जाएगी। लो एक हाथ में पूंछ है, दूसरे हाथ की उंगली मुख में रखती है। मैया ने आके देखी, हाय हाय लाला तू जाने नाए, तोता की चोट तो इतनी कठोर होए कि वो तो लकड़ी उपाट डाले। हाय लाला तू काए कोई सो कर रो है। तो महाराज उतारा, उतार करके चौखट के बाहर रख दिया। चौखट जानते हो? ले चौखटे नहीं जानते, चौखटा तो जानते हो। पुराने जमाने में जो द्वार बनते थे उनमें नीचे की जो लकड़ी होती थी ऊंची थी, उसको चौखट या देहरी कहते थे। क्या कहते थे? फिर वही बात आ गई, और राम जी तो सीधे सादे थे, भगवान के पिताजी के राजमहल की देहरी बहुत ऊंची थी। सो बेचारे जाए देहरी तक, मन तो हो कि हम निकल जाए, लेकिन देहरी ऊंची थी तो फिर वहीं से लौट आवे, फिर चक्कर लगावे। बार बार चक्कर लगाते देखा, संत के मुंह से निकल पड़ा कि द्रव हु सो दशरथ अजीर बिहारी। ए दशरथ के आंगन में घूमने वाले ठाकुर, आप हमारे ऊपर कृपा करो, अजीर बिहारी बाहर नहीं जा सकते, लेकिन कृष्ण के तो चंद्रमा पूर्ण देख रहा है।